उधर दिल्ली के इंडिया गेट से सीआरपीएफ की महिला कमांडो छत्तीसगढ़ के जगदलपुर रवाना। और 75 महिला कमांडो को केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने हरी झंडी दिखाकर यहां से रवाना किया। ये महिला कमांडो 5 राज्यों से गुजरकर 25 मार्च को जगदलपुर पहुंचेंगी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, ये तमाम महिलाएं निकल पड़ी हैं। नारी शक्ति की ताकत का प्रदर्शन, नक्सलियों के गढ़ जाएंगी महिला कमांडो, सीआरपीएफ की महिला ब्रिगेड का दम। मोटरसाइकिल पर सवार ये महिलाएं सीआरपीएफ की कमांडो हैं, जो नक्सलवाद पर आखिरी प्रहार करने उनके ही गढ़ में जा रही हैं। सीआरपीएफ की 75 महिला कमांडो नक्सलीगढ़ कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला रवाना हो गई हैं। ये महिला कमांडो दिल्ली से बस्तर के जगदलपुर तक 1848 किलोमीटर की यात्रा करेंगी। महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये कदम है और सीआरपीएफ की जो महिला बाइक राइडर्स हैं, वो रवाना हो चुकी हैं और करीब 1800 किलोमीटर 1700 से 1800 किलोमीटर के बीच की यात्रा तय करेंगे। देखिए, इंडिया गेट से आजादी की 75वीं वर्षगांठ के बाद ये जो महिला बाइक राइडर्स हैं वो यात्रा पर निकल चुकी हैं। 75 महिला सीआरपीएफ कमांडो मोटरसाइकिल पर अपनी 17 दिनों की यात्रा के दौरान 5 राज्यों को कवर करेंगी। महिलाओं की मोटरसाइकिल रैली 25 मार्च तक जगदलपुर में खत्म होगी, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस पर परेड आयोजित की गई है। इससे पहले विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने इंडिया गेट से इन महिलाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सीआरपीएफ की महिला कर्मियों ने राइफल ड्रिल का प्रदर्शन किया। दुनिया के आगे एक संदेश है कि भारत जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो विमेन एम्पावरमेंट से हटकर हम लोग विमेन लेड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो जो लीडरशिप की पोजीशंस हैं उसमें महिलाएं रहें, आगे बढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और वही सीआरपीएफ ने आज करके दिखाया कि जगदलपुर जैसी क्षेत्र, जो कि बहुत ही कठिन क्षेत्र रहा है पूर्व में, और सीआरपीएफ के जो फोर्स है उसने मिलकर वहां पर शांति स्थापित की है और आज ये महिला दस्ता वहां पर ही जा रहा है। महिला कमांडो यात्रा के दौरान स्कूली बच्चों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और स्वयं संस्था समूहों के साथ काम करने वालों से भी मिलेंगी। इससे पहले इन महिला कमांडो को पूरी ट्रेनिंग दी गई है, जब एक बार में करीब 300 किलोमीटर तक मोटरसाइकिल चला सकती हैं। ये तो बहुत अच्छा लगेगा कि हम इतना दूर तय करके वहाँ जाएंगे और ये सीआरपीएफ के दिन हो रहा है, मतलब उस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस दिन हो रहा है और हम महिलाएं जा रहे हैं, तो फिर ये बहुत सारा संदेश देता है कि जो महिला है वो शक्ति का प्रतीक होती है और सीआरपीएफ के दिवस के अवसर पे हो रहा है, तो फिर दिखाने के लिए कि जो सीआरपीएफ का फोर्स है अब वो कहीं भी जा सकता है। सीआरपीएफ की महिला कमांडो की मोटरसाइकिल रैली नारी शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है, जो संदेश देने के लिए काफी है कि वह दिन दूर नहीं जब देश से नक्सलवाद का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा।